दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो फिर से हम फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग को लेके एक वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो मैंने कल बनाई थी और वो वीडियो मैंने बना के चार बार अपलोड करने की कोशिश करी, अपलोड नहीं हुई। बार बार जो वीडियो बनती है वो अपलोड होती है तो कोई व्यूज़ उसमें कोई आवाज़ नहीं, वीडियो चल नहीं रही है, तो मैंने वो वीडियो कल रात को छोड़ दी बना के, थक गया बनाया, फिर मैंने उसको मैंने अपलोड नहीं किया। चार बार अपलोड करने की कोशिश करी, जिनकी कुंडलियाँ थी उनके बारे में रीड आउट करने की कोशिश कर रहा था। फिर जिन आज मैंने सोचा कि मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है यूट्यूब को मेरी टी शर्ट का कलर पसंद ना आया हो, तो आज मैं अच्छा सा शर्ट पहन के बैठ गया बनाने के लिए। पहली बार बनाया तो लाइट चली गई, तो गया वीडियो बनाई, क्या बोलते, दरवाज़ा खोला, लाइट वाइट किया ठीक ठाक, तो बंद किया, फिर से वीडियो बनाने लगा तो लाइट आ गई बीच में, तो मैंने कहा अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बनाते बनाते कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो वो वीडियो भी नहीं बन पाई। अब ये मेरी कई सारी कोशिशों के बाद अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अपना दुखड़ा नहीं रोना चाहता, लेकिन आज थोड़ी इस बार थोड़ी सी इन कुंडलियों को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मेरे को, काफ़ी सारी हुई है, लेकिन चलो ठीक है, चलता है। जिन लोगों की कुंडली अब ये 15 सितंबर तक की रीडिंग हुई है, 15 सितंबर में आखिरी वीडियो है, जिन लोगों की वीडियो में जिनकी कुंडली नहीं रीड कर पाए उनको मैं माफ़ी मांगूंगा और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपीट लिख के 30 सितंबर लिख के भेज दीजिए। 30 सितंबर आप लिख देते हैं और रिपीट लिख देते हैं तो आपकी कुंडली में 30 सितंबर के सिलेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है तो मैं आपकी कुंडली भी रीड कर दूंगा, अगर आपके दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। अगर आप लोग अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का स्वागत है। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपको अगर मेरे बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आप फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग चाहते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपना नाम, अपना जेंडर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दो सवाल मुझे व्हाट्सएप पे, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर देना उस पर अपने व्हाट्सएप करना, ये सारा डिटेल। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट हो जाती है, क्योंकि सिलेक्टेड कुंडली की रीडिंग होती है, तो आपके दो सवालों के जवाब 30 सितंबर के बाद मैं दे दूंगा। जैसे आप 15 सितंबर वालों की मैं दिया है, कई सारे पहले दो वीडियो बनाए उसमें मल्टीपल कुंडली की रीडिंग दी है, अब भी दे दूंगा। बाकी ये पॉइंट तो यह है कि कई लोग यहाँ पे आके, 100 लोग आते हैं मेरे पास, उसमें से 10 खराब होते हैं या 10 लोगों का मेरे साथ थिंकिंग नहीं मैच करता है, तो वो लोग कई सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा जी कि मैं अपने वीडियो पे पूरा पूरा क्लियर बताता हूँ आपको जी कि सिलेक्टेड कुंडली की रीडिंग होती है, सबकी कुंडली की रीडिंग नहीं होती है। लेकिन आप जब मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करते हैं और आप लोग अपना प्रॉब्लम मुझे बताते हैं तो आप लोग ये भी समझने की कोशिश करिए कि आपके साथ साथ दूसरों को भी प्रॉब्लम है, जिनकी कुंडली सिलेक्ट हो रही है आपके सपोर्ट की वजह से, उनकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो रही है बट शायद वो चीज़ें नहीं हैं। मैं कोशिश सबको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की होती है, लेकिन मैं सबकी नहीं कर सकता, मैं भी इंसान हूँ, वन मैन आर्मी की तरह मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो बहरहाल इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, अगर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन है तो ठीक, नहीं तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है जो है अब है, मैं सिलेक्टेड ही दे सकता हूँ। तो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे दो सवालों के जवाब देता हूँ, आपकी मर्जी है। अब ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, जिनके कुंडली सिलेक्टेड है वैसे ही बहुत सारी बार कर चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ, जिनको कई बार लिंक सेंड कर चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ, छोड़िए। चलिए अब रीडिंग कर लेते हैं। दिनेश जी, आपकी कई बार रीडिंग कर चुका हूँ, आपकी तीसरी चौथी बार रीडिंग कर रहा हूँ सर, तो आपकी कुंडली में कई सारे मार्क हो चुके हैं, उनके बाद भी कई लोगों के। चलिए दिनेश जी, 47 आपका ईयर है, 47 साल की उम्र है की है, वीनस आपकी महादशा चल रही है, 2013 से 2033 तक चल रही है, राहु की अंतरदशा खत्म हुई थी अभी रिसेंटली जून के महीने में और सॉरी माफ़ कीजिए जुलाई के महीने में, और जुपिटर की अंतरदशा आपकी चालू हो गई, 2026 तक चलेगी। सूर्य की अंतरदशा जब सूर्य की महादशा चलेगी जब वीनस की महादशा खत्म हो जाएगी, 2030 के आसपास वो खत्म हो रही है, 2031-32 के आसपास जो भी है वो आप चेक कर लीजिएगा फ्यूचर में, कभी भी आप कभी अपनी कुंडली रीडिंग करवाते हैं तो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं ये रीड कर चुका हूँ और मेरे दिमाग में मैं कई बार रीड कर चुका हूँ। दिनेश जी, शुक्र की महादशा चल रही है, ध्यान दीजिएगा, शुक्र आपका नीच है, यहाँ पे नीच लिखा है मैंने, शुक्र डेबिलिटेटेड है, सन डेबिलिटेट है, सूर्य डेबिलिटेटेड है। सूर्य कौन है? सूर्य सप्तमेश का मालिक है, बिजनेस पार्टनरशिप का मालिक होके भाग्य स्थान में बैठा है जो कि अच्छा स्थान है, लेकिन डेबिलिटेटेड है मतलब नीच का होके बैठा है। राहु और मरकरी साथ में बैठा है तो राहु की भी एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है सूर्य पे और यहाँ पे मून पे। मैंने अच्छा माफ़ कीजिएगा, आपका मून नहीं है यहाँ पे, मून यहाँ पे सेकंड हाउस पे, तो 1 2 3 4 5 नहीं, मून पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो मून आपका
दूसरे हाउस में बैठा है और जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बैठा है, 12 नंबर लिखा है, जुपिटर अपने ही घर पे बैठा है, जुपिटर की अंतरदशा चल रही है, जुपिटर अपने ही घर पे बैठा है, फिक्स एसेट का मालिक होके बैठा हुआ है, फिक्स एसेट में ही बैठा हुआ है, जो कि अच्छी बात है फिक्स एसेट के लिए। हो सकता हो जो कि आप अपने अपने घर में, अपने पर्सनल जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसमें शायद ना रहते हो, अगर आप रहते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना मैं बात कर लेता हूँ। आपके यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम का जो आपने प्रॉब्लम दी है, हेल्थ प्रॉब्लम का शायद रीज़न ये है कि शुक्र अष्टम घर में बैठे हुए हैं, महादशा उनकी चल रही है, और आपकी जो लग्नेश है शनि कुंभ लगन है आपका, कुंभ लगन वैसे तो अच्छा लगन है लेकिन शनि यहाँ पे छठे घर में बैठा है तो हेल्थ को लेके प्रॉब्लम देगा। डेप्थ और डिस्प्यूट्स अगर देखा जाए तो आपको आपकी लाइफ में रहे होंगे, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या कोई डिस्प्यूट्स रहे होंगे, उसमें शायद आपको सफलता दिला दे शनि, क्योंकि लग्न का मालिक और आपकी एज में लॉन्ग टर्म में आपको शायद सफलता दिलाई होगी शनि ने, क्योंकि मून यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हेल्थ को लेके शनि यहाँ पे अच्छा फल नहीं देंगे, तो इसलिए आपको हेल्थ को लगने भी वीक है और आठवें घर में शुक्र भी वीक है। शुक्र यहाँ पे योग कारक प्लैनेट है, दूसरे चौथे घर का मालिक है और नवम घर का मालिक होकर छठे आठवें घर में बैठा है, तो इसलिए ये जरूर कह सकता हूँ जी कि हेल्थ आपकी, आप जीवित इसलिए हैं क्योंकि कुंडली में शुक्र योग कारक प्लैनेट है, नहीं तो यहाँ पे शुक्र जो अवस्था में वो खास अच्छा नहीं है। कुंडली में योग कारक प्लैनेट है और उसका शुक्र यहाँ पे अच्छा फायदा देने वाले प्लैनेट है, लेकिन गलत घर में बैठे हुए, नीच घर में बैठे हुए, इसलिए हेल्थ को लेके प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर हम देखें तो शुक्र की दृष्टि, सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 सात फिक्स्ड एसेट के घर में और मारक घर में पड़ रही है, क्योंकि सेकंड हाउस को हम मारक मानते हैं और गुरु के घर में पड़ रही है, तो गुरु की अभी अंतरदशा चल रही है आपकी, तो हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम और बन गई होगी। तो अंतरदशा गुरु की जो चल रही है यहाँ पे फाइनेंशियली आपको फिक्स एसेट में आपको बेनिफिट देगा गुरु, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे गुरु ये दे रहा है जो कि हेल्थ को लेके, क्योंकि सेकंड हाउस में माँ को हम मारक भी मानते हैं, तो आपके आपको यहाँ पे हेल्थ को लेके प्रॉब्लम दे रहा होगा गुरु। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा जी कि आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर आप अपने फिक्स एसेट या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रहते हैं तो वहाँ से मूव आउट कर जाइए। अगर आप वहाँ से मूव आउट करेंगे तो अगर आप जहाँ पे भी रहेंगे, रेंटेड घर में रहेंगे या ऐसे किसी घर में रहेंगे जहाँ से, जैसे कि सरकारी क्वार्टर हो जाते हैं या जहाँ आप जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो वहाँ अगर आप रहने लगे या जॉब से मिली हुई किसी घर में रहने लगे तो आपके लिए बेहतर अच्छा फायदा मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है आपको फिक्स एसेट का बेनिफिट मिले तो आप कोई अपना पैसा या घर खरीदे अभी, क्योंकि सडन गेन भी दे सकता है शुक्र यहाँ पे और गुरु का चल रहा है, तो अभी रिसेंट डेज में अगर आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी या कुछ मिले तो उस प्रॉपर्टी से, उस पैसे से, किसी चीज से अगर आप उस वो प्रॉपर्टी में ना रहने जाए या पैसा मिले तो उससे जो घर खरीदे उसको रेंट पे या किसी चीज में लगा दे, बिजनेस पे या किसी चीज में, बिजनेस पे तो चलो बात की बात है, वो पर्सनल रीडिंग जो होगी उसमें बताएंगे, लेकिन अगर आप घर वगैरह खरीदते तो उसको रेंट पे चढ़ा दें या कुछ ऐसा करें, लेकिन खुद रहने ना जाएं, क्योंकि तो रहेंगे तो उसमें हेल्थ की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो हेल्थ को प्रॉब्लम के लिए उपाय जरूर बोलूँगा जो नॉर्मल उपाय हैं, उसके अलावा ज़रूर ये इस चीज़ को अगर करके देखिए शायद आपको आपके हेल्थ से थोड़ा सा बेनिफिट मिले, अपने बर्थ प्लेस से जहाँ आपकी बर्थ हुई है या अपने फिक्स एसेट से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करिए। अब बात कर लेते हैं बिजनेस का। देखिए सेवन्थ हाउस का मालिक होकर सन यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, नाइन्थ हाउस में बैठा है लेकिन भाग्य के स्थान में बैठा है, इससे न्यूट्रल बन जाता है, राहु की दृष्टि है तो थोड़े से और इफेक्टिव हो जाता है, तो न्यूट्रल है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, भाग्य स्थान में बैठा है इसलिए बोलूंगा जी कि चलो आप कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है तो पार्टनरशिप का बिजनेस ना करें और खुद से बिजनेस ना करने जाए, क्योंकि इस पर आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप अपने वाइफ के साथ बिजनेस करें, वाइफ के नाम पर कंबाइंड बिजनेस करें तो अच्छा है, अगर वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा तो बेहतर है, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑपोजिशन ये रहेगा कि अगर आप अपने बच्चों के नाम पे बिजनेस करें, हो सकता है आप लिटिगेशन में हो, एडवोकेट हो, या आप हो सकता है किसी सर्विस सेक्टर में हो, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं तो शनि यहाँ बैठे हो, कोई मेडिकल का आप काम कर सकते हैं, एडवोकेसी का काम कर सकते हैं या प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। तीसरे घर में, पांचवें घर में मंगल बैठा है कर्मेश होके, मतलब जॉब का मालिक होके, फादर का मालिक होके, और कॉम्पिटिटिव मतलब मेहनत का मालिक होके, अगर आपने मेहनत से जो भी चीज़ें जो हासिल करता है आदमी, मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अपनी लगन से, अपने हार्ड वर्क से जो मेहनत करके कमाता है उसका मालिक होकर मंगल तीसरे पांचवें घर में बैठा है। यहाँ मंगल जिस घर में बैठा है उसका राशि का मालिक भी अच्छे घर में बैठा है, चाहे उसका मालिक डेबिलिटेटेड हो लेकिन बुध यहाँ पे अच्छा बैठा है, कंबस्टेड हो या ना हो अलग पॉइंट है। तो मैं ये बोलूंगा
कि आप अपने बच्चों के नाम पर अगर कोई बिजनेस करना चाहे या बच्चों के साथ कोई काम शुरू करे या उनके साथ में मिलके कोई बिजनेस करे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, इसके अलावा कोई और भी काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, बच्चों के साथ में मिलके करिए या बच्चों के नाम पर करिए तो आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। तो ये रहा बिजनेस की बात। आपकी अभी गुरु की समय चल रही है तो आपको पैसा ज़रूर आ सकता है कहीं से, तो उसको सही उपयोग में लगाइएगा। अगर बिजनेस वगैरह करते हैं तो कंबाइंड में करने की कोशिश करिएगा। बहरहाल मैं यही बोलूँगा कि कम तो सारा पैसा बिजनेस में मत लगाइएगा, कुछ फिक्स एसेट्स से अगर कुछ आता है अच्छा आएगा तो जो आएगा उसको आप अच्छे किसी चीज़ पर लगाइए, घर वगैरह खरीदें, खुद ना रहें, उससे इनकम बनाइए और साइमल्टेनियसली बच्चों के नाम पे या वाइफ के नाम पे, पहला प्रेफरेंस बच्चा रहेगा तो बच्चों के नाम पे अगर आप करते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे लगन के मालिक के साथ मित्रता नहीं है, लेकिन घर पे अच्छे बैठे हैं तो मंगल यहाँ पे अच्छा बेनिफिट देंगे, प्रॉपर्टी वगैरह से सडन गेन जरूर प्रोवाइड करेंगे। शिव की पूजा करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए, गॉडेस किसी भी गॉडेस की जो शक्ति को हम मानते हैं, चाहे चंडी हो, काली हो, दुर्गा माँ हो, उनको मानिए। सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा, लेकिन इसके अलावा किसी शक्ति रूप की, किसी भी शक्ति जो रूप है माँ का, उसकी पूजा करिए, चाहे वो चंडी माँ हो, काली माँ हो, या दुर्गा माँ हो, या कोई और जो गॉडेस हो उसकी पूजा करिए। किसी भी फीमेल एंटिटी की मदद करिए, जैसे कोई भी हो, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो या कोई बच्चे हो जो फीमेल है, जो फीमेल साइड से जो भी रिलेट करते हैं, जैसे कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में, तो मंदिर में जाके आप डोनेट करें तो फीमेल्स को ज़रूर डोनेट करिए। कुछ अच्छा प्रोडक्ट दीजिए उनको खाने पीने के लिए या कुछ चीज़ें करिए उनको। अगर कोई प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में, किसी रिलेशन में किसी फीमेल को, उनकी मदद करने की कोशिश करिए। गणेश जी की पूजा करिए तो भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर गणेश जी विघ्नहर्ता है तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेंगे। शुक्र की यहाँ पे दशा में गॉडेस की पूजा करना अच्छी अच्छा फलदायक होगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शनि की भी उपाय करिए, क्योंकि शनि यहाँ पे छठे घर में बैठे हैं, तो तेल जरूर डोनेट करिए मंगलवार शनिवार को, तेल या कुछ भी ऐसी लिक्विड चीज़ डोनेट करिए जिससे मंगल और शनि और मून तीनों चीज़ें शक्तिशाली हों। तो लिक्विड चीज़ का डोनेट करिए अगर हो सके तो। मून की भी उपाय कर लीजिए, क्योंकि मून यहाँ पे शक्तिशाली होंगे तो आपको बाहर किसी अपने बर्थ प्लेस से बाहर भी प्रॉपर्टी बनाने में मदद देंगे, चाहे वो लोन से हो या किसी चीज़ से हो, लेकिन मदद देंगे। तो आप अपना बिजनेस बाहर भी सेटल कर सकते हैं, अपने आप को भी बाहर सेटल कर सकते हैं। तो लेकिन मून यहाँ पे अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में बैठे हैं तो ठीक है, गुरु के घर, लेकिन वो भी मारक हो जाते हैं यहाँ पे बैठ के बहरा, लेकिन पैसे को लेके प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो आप डेप्थ में ना जाएं, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो हो सकता है मून यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी को भी प्रॉब्लम दे दें। लेकिन अगर आप कोई डिस्प्यूट वगैरह फाइट कर रहे हैं, कोई लिटिगेशन फाइट करते हो, शनि यहाँ पे ज़रूर मदद करेंगे, गुरु की सहायता ज़रूर मिलेगी। तो बहरहाल ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और 48 साल के बाद शायद कई सारी चीज़ें बदल जाए, क्योंकि राहु की और केतु की दोनों की चीज़ें बदल जाते हैं 48 के बाद, तो हो सकता है उसके बाद पॉजिटिव मिले। हेल्थ को लेके मैंने जैसे बोला, शिव की पूजा, गॉडेस की पूजा और गणेश जी की पूजा करिए और अपने बर्थ प्ले अपने घर से फिक्स एसेट के घर से मूव आउट करने की कोशिश करिए। अगर होता है तो बेहतर रहेगा, या कुछ दिन बाहर रहने के रहे अगर पूरा मूव आउट नहीं भी कर सकते हैं तो। ठीक है जी, थैंक यू। अब बात कर लेते हैं ऋचा जी की। ऋचा जी की एज 26 प्लस है, काफ़ी यंग है अभी, तो इनकी इनकी प्रॉब्लम ये है, इनको भी हेल्थ इश्यूज हैं और सक्सेस के बारे में पूछ रही थी ऋचा जी। पहली बात तो ये है कि आप मांगलिक हैं और मंगल यहाँ पे डेबिलिटेटेड है। डेबिलिटेटेड मतलब आपका मंगल नीच का बैठा हुआ है, तो नीच का मंगल अगर यहाँ बैठा हो तो चौथे सातवें घर में बैठा हो वैसे ही मांगलिक कर देता है। मांगलिक करने के अलावा यहाँ पे नीच के होने के कारण तो उसका असर और ज़्यादा खराब हो जाता है। लेकिन क्या मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है हेल्थ को लेके? हो सकता है दे रहा हो, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप किसी के घर में रह नहीं रहे हो तो आप उस घर का मालिक, आप अगर आपके पड़ोसी आपको कैसे प्रॉब्लम दे सकता है अगर आप उसके घर में नहीं रह रहे हो, आप उसका खाना नहीं खा रहे हो? सिर्फ ऊपर से शोरी तो मचा सकता है ना, लेकिन अगर आप अपने घर में शांति से रहेंगे तो कुछ हद तक प्रॉब्लम वो उतना प्रॉब्लम नहीं देगा। हो सकता है वो प्रॉब्लम दे रहा हो लेकिन वैसा प्रॉब्लम नहीं देगा अगर वो आप ही के घर में हो तो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ज़रूर मांगलिक हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पे आपकी शादी को लेके मंगल प्रॉब्लम दे रहा हो या मंगल यहाँ पे शादी ना कराने के योग बना रहा हो या जो भी हो, जो आपको अच्छे से पता है हो सकता है। लेकिन अभी आपकी दशा ही नहीं चल रही है। अगर हम देखें तो गुरु की अंतर महादशा चल रही है, गुरु 2031 तक महादशा में रहेंगे। बुध की महादशा चली थी 2022 तक, उसके बाद केतु की महादशा चलेगी। मैं जरूर मानूंगा केतु की महादशा में हो सकता हो आपको ऊपर नीचे हुआ हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो और हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों से आपको थोड़ी बहुत तकलीफें हुई हो। लेकिन अब शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की अंतर दशा जो चलेगी वो
26 तक चलेगी, गुरु की महादशा चल रही है यहाँ पे अभी, उल्टा हो गया पिछले वाली कुंडली से। तो शुक्र आपके अष्टम घर में बैठे हैं और गुरु आपके 12वें घर में बैठे हैं। अब 12वें घर का गुरु करता क्या है? 12वें घर का गुरु इंसान को स्पिरिचुअल कर देता है। 12वें घर का गुरु इंसान को, क्योंकि अगर आप देखें तो नवम नौ नंबर लिखा है यहाँ पे, आप कैप्रिकॉन लगन की हैं, आप भी शनि से शनि के लगन की हैं, तो कैप्रिकॉन लगन का आदमी स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि शनि यहाँ पे अच्छा नहीं करते हैं, वो इंसान को प्रैक्टिकल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो गुरु के घर में बैठे हैं शनि यहाँ पे, तो इंसान स्ट्रगल बहुत कर रहा होता है, मेहनत बहुत कर रहा होता है। मेरा गला इसलिए सूख रहा है ऋचा जी, क्योंकि ये मैं चौथी या पांचवी बार वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी अगर मैं थोड़ा रुक रुक के वीडियो बनाऊँ, या आप सबको मैं यही बोलूँगा जी कि अगर मैं थोड़ा रुक के बात कर रहा हूँ तो मेरा गला, या मेरी सांस फूल रही हो तो मेरा गला सूखा है, माफ़ कीजिएगा। तो गुरु यहाँ पे नवम घर के मालिक हैं, नवम में ही बैठे हैं, मतलब 12वें घर का ओनर होके 12वें घर में ही बैठा है। अगर 12वें घर का ओनर होके 12वें घर में ही बैठा है तो इंसान आपको यहाँ पे गुरु स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोर्स कर रहा है, मोक्ष जो होता है उसके रिगार्डिंग आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। और अब शुक्र की अंतर्दशा लग गई है तो शुक्र भी अष्टम घर में बैठे हैं। अगर आप शुक्र को देखें तो यहाँ पे त्रिकोण का मालिक है और केंद्र का मालिक है, तो शुक्र फिर से यहाँ पे योगकारक प्लैनेट हो जाते हैं अगर आप देखिए तो। लेकिन शुक्र यहाँ पे अष्टम घर में बैठने के कारण, हालांकि सूर्य के घर में बैठे हैं और यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि सूर्य यहाँ पे छठे घर में बैठा हुआ है लेकिन डेबिलिटेटेड नहीं है, छठे घर में बैठा है लेकिन यहाँ पे बुध की राशि में बैठा है, अच्छा है ठीक है, लेकिन वीनस यहाँ पे सूर्य के घर में बैठा, सूर्य वीनस की बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, इस कारणवश आपको हेल्थ में प्रॉब्लम आने के चांसेस है। एक्सपेंसेस इसलिए आपके हेल्थ को लेके एक्सपेंसेस होंगे, आपका खर्चा होगा, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप कहीं कुछ ना कुछ मिस कर रही हैं। मिस क्या कर रही हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो गुरु की महादशा में अगर आप अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर कोई काम कर रही हो या मूव आउट कर जाए तो हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए। शुक्र अष्टमेश होके अष्टम घर में बैठा और योग कारक प्लैनेट होके बैठा है तो सडनली आपको सडन गेन जरूर मिल सकता है। हो सकता है जी कि आप किसी बिजनेस या ऐसा कुछ कर रही हो किसी के साथ और उससे आपको सडन गेन मिले। हालांकि यहाँ पे देखूं तो बिजनेस का मालिक यहाँ बैठा हुआ है तो अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन मंगल यहाँ बैठने के कारण आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी हार्श हो सकती है, या मंगल आपके जो पार्टनर है आपके साथ धोखा कर सकते हैं, या वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे या आप थोड़ा उनके साथ एग्रेशन शो कर दें, तो इस कारणवश क्योंकि आप मंगल और शनि की बनती नहीं है। तो बिजनेस अगर आप कोई कर रही हैं तो उसमें आप, मैं बोलूंगा सब्र रखिए या शांति से काम करिए, और अगर आप नहीं कर रही हैं तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, न्यूट्रल काम कर सकते हैं जो बिजनेस कम, जैसे एडवोकेसी हो गया, मेडिसिन लाइन में हो गया, या ऐसा काम जो इंडिपेंडेंट भी हो लेकिन वर्किंग भी हो, ऐसा काम भी कर सकते हैं। बाकी यार बहरहाल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको सडन गेन मिले यहाँ पे 8th हाउस में शुक्र बैठा हो, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम भी मिलेगा, तो प्लीज इसकी भी उपाय मैं बता दूंगा आप कर लीजिएगा। तो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ आपको ये साइन करा, और अष्टम घर में शुक्र भी यही साइन करा है कि आप अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करिए, या ऐसे काम करिए जैसे ट्रैवलिंग का काम करिए या ट्रैवल बिजनेस करिए जो आपके बर्थ प्लेस से दूर का हो। अगर दूर से अगर आप काम करेंगी तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और मंगल अगर यहाँ आप देखिए, शनि भी यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, सेकेंड हाउस का मालिक और 10th हाउस फर्स्ट हाउस का मालिक होके बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो अपने से दूसरा हो गया, तो मेहनत करेंगी, अपना कुछ मेहनत से आप काम करेंगे। केतु के साथ जरूर बैठा, छोटे भाई बहन के साथ हो सकता है रिलेशनशिप यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो, लेकिन यहाँ पे शनि यहाँ पे मेहनत करने पे फल जरूर देगा अपना, और गुरु के घर में शनि खराब रिजल्ट नहीं देता है। तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा जी कि अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाइए, अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर अगर नहीं जा सकती हैं तो अपना जो फिक्स एसेट्स है उससे दूर रहने की कोशिश करिए, जैसे आपके मम्मी पापा का कोई घर हो या कोई हो तो उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। शुक्र यहाँ पर सडन गेन दे सकता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देगा, तो उपाय क्या करें? तो अभी अंतरदशा में शुक्र चले तो सडन गेन और वो तो हो गया, लेकिन उपाय क्या करें? हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर कि सक्सेस कब मिलेगी, आपने पूछा था मुझसे कि सक्सेस कब मिलेगी यहाँ पे, अच्छा हाँ, सैटर्न रेट्रोगेट है, मार्स डेबिलिटेटेड है, मून भी, मरकरी भी कंबस्टेड, सैटर्न रेट्रोगेट है मतलब एज, लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर मिलेगा लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको वेट करना शनि सिखा रहा है और वेट करवाएगा तभी फल मिलेगा, तो वेट करना आपको पड़ेगा लाइफ में, जैसे ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो वेट करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है आप सबर करना अभी सीख गई हैं, लेकिन आपको 52 साल की उम्र में जैसे इंसान समझदार होगा वो आपको 26 की उम्र में होना पड़ेगा।
ये शनि सिखा रहा है यहाँ पे, रेट्रोग्रेड शनि है, जुपिटर भी यही सिखा रहा है। हेल्थ को लेके थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, एक्सपेंसेस हेल्थ को लेगा और एक्सपेंसेस भी रहेंगे, लेकिन गुरु यहाँ पे पैसा दिलाएगा, खर्चे से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। देखते हैं अब उपाय देख लेते हैं। उपाय यहाँ पे है, वीनस को अच्छा करने के लिए गॉडेस किसी भी शक्ति की पूजा करिए, दुर्गा की पूजा करिए, काली की पूजा करिए, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करने के साथ साथ वो शक्ति उनकी स्पेसिफिक है, पैसे की और ज्ञान की। गुरु यहाँ पे ज्ञान जरूर देगा, आपके लॉस और आपके प्रॉब्लम से आपको ज्ञान मिलेगा, आपके हेल्थ प्रॉब्लम से, आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से ज्ञान मिलेगा। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मंगल को लेके मुझे आपसे ये बात बोलनी थी कि मंगल की अंतरदशा ही लगेगी, महादशा कभी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि लगेगी लेकिन उस एज पे आपको, क्योंकि अगर आप देखें तो 2050 तक आपकी शनि की लगेगी, उसके बाद फिर बुध की 16 साल 17 साल की लगेगी, तो वो आपके 67 तक चला जाता है एज का, फिर केतु की लगेगी, फिर केतु के बाद लगेगी सूर्य की, नहीं शुक्र की, और शुक्र के बाद सूर्य की, तो भी बहुत लंबा एज हो जाता है शुक्र का, और शुक्र ही कुछ केतु 7 साल का होता है, और मतलब महादशा नहीं लगेगी मंगल की। तो मंगल की महादशा अगर ना लगे तो यहाँ पे मंगल की जो एक्चुअल डेंजरस इफेक्ट्स है वो आपको काफ़ी कम मिलेंगे। अगर मंगल की अंतरदशा जब भी लगेगी उस टाइम पे आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की अंतरदशा आपको प्रॉब्लम देगी, तो वो 1-2 साल के लिए होगी, मेजर नहीं होगी, ठीक है ना। अगर जैसे हम शनि में बोले तो 1-2 साल की होगी, मरकरी में भी 1-2 साल की होगी, और शायद मून की, इसकी तो निकल ही गई है, जुपिटर की तो शायद निकल गई है, तो अगर नहीं निकली भी है तो जब भी आएगी तब उसकी अंतरदशा में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, वो टाइम पीरियड छोटा होगा, ठीक है ना। तो मंगल यहाँ पर ज़रूर अफेक्ट कर रहा है, तो मंगल की ज़रूर उपाय करिएगा, वो मैं बताता हूँ। गॉडेस की पूजा करिए, शक्ति की पूजा करिए, माँ दुर्गा काली सरस्वती, सॉरी माँ दुर्गा काली चंडी, जिसकी आपको सही लगे उसकी पूजा करिए, गॉडेस की पूजा करिए, महामृत्युंजय का जाप करिए, शिवलिंग का शिव का वर्शिप करिए, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय जा, जो भी शिव को लेके शिव के मंदिर के बाहर जो भी डोनेट कर सकते हैं मंदिर में डोनेट करिए, शिव के मंदिर में गुरुओं का डोनेट करिए, किसी भी गुरु का, किसी भी गुरु से, या किसी भी आपके जीवन में अभी गुरु की महादशा चल रही है, तो अगर आप किसी गुरु से अगर आप रिलेशनशिप रखती हैं या बातचीत रखती हैं, या जैसे भी आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं जो आपको लगता है जो कि बहुत मतलब ज्ञानी हैं, या आपको लगता है आप उनसे कुछ सीख पा रही हैं, तो उनके साथ आपको कनेक्शन रखना चाहिए। अगर आप वो कनेक्शन रखती हैं, क्योंकि गुरु की महादशा चल रही है, तो आपके लिए बेहतर होगा, हो सकता है आपके हेल्थ वगैरह से आपको प्रॉब्लम ख़त्म करे। बाकी मैंने बोला ही है आप थोड़ा दूर रहेंगी तो बेहतर रहेगा, अपने घर अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा सा दूर रहेंगी तो अच्छा रहेगा। तो ये रही बात गुरु को लेके। हाँ थर्सडे को जरा सा आप भी येल्लो चीज़ों का सेवन करिए, येल्लो चीज़ों का खाना खाइए, और येल्लो चीज़ों का डोनेट करिए, जैसे कुछ भी हो गया, बेसन वगैरह हो गया, कुछ हो गया, जैसे येल्लो चीज़ें होती हैं तो उन चीज़ों का डोनेट कर सकती हैं। मंगल के लिए मंगलवार को शनि का उपाय, मंगलवार को और शनिदेव के लिए भी, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर सूर्य नमस्कार भी करिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर छठे घर में बैठा है, तो सूर्य नमस्कार करिए। राहु और बुध के साथ बैठा हो तो सूर्य आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स उसको खत्म करेगा। गणेश जी की पूजा करिए, गणेश आरती करिए, काफी सारी चीजें बता रहा हूं तो ये सब चीजें थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भेज रहा है तो वो भेजेगा ही आपको, तो उसको उसको इंजॉय करिए, ठीक है ना। उस पे नेगेटिव हार्श मत हुई है, या उसको लेके ओपिनियन मत करिए। अगर कुछ चीज़ लेट आ रही है तो आ रही है, अगर आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं आती है तो उसके लिए उपाय करिए, लेकिन निराश मत हुई है, ठीक है। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठा है, तो मंगल यहाँ पे बैठने के कारण आप थोड़ा सा ब्लड डोनेट अगर कर सकते हैं तो ब्लड डोनेट कर दीजिए, और अगर ब्लड डोनेट नहीं कर पा रही हैं तो सरसों का तेल शनि और मंगल के लिए अच्छा रहेगा, सरसों के तेल का डोनेट करिए। कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, कुत्तों को खाना खिलाने में भी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हाँ सभी कुंडलियों में जिनके पहले वाली कुंडली में दिनेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी डॉग फीड कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके भी नवम में बैठा है, तो अगर डॉग फीड करती हैं, अगर शनि को मंगल को अगर आप थोड़ा सा तेल सरसों का तेल वगैरह डोनेट करती हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र के लिए तो मैंने बता ही दिया, गॉडेस का पूजा करिए, और आप भी फीमेल जो भी अभी एंटिटीज़ हैं उनका वर्शिप करिए, और यहाँ पे गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु जो सीनियर्स हैं जिनसे ज्ञान मिलता है या जो आपसे बड़े हैं उन, अगर वो कुछ बोलते भी हैं आपको पसंद नहीं आता तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से सही करने की, बाकी वैसे भी ना ऋचा जी दुनिया में ना कई लोग गलत आते हैं, उनको हर किसी को सही करके ना फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ
अपना फोकस लूज करते हैं। उन चीज़ों को ठीक करिए जो आपको लगता है ज़रूरी है, बाकी हर चीज़ को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं आपके। शनि के जो होते हैं ना वो आइडियलिस्ट होते हैं थोड़े से, और ये कुंभ कैप्रिकॉर्न में थोड़ा आइडियलिस्ट होते हैं, थोड़ा तो अपना प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा नीचे करिए, एडजस्ट करिए प्रिंसिपल्स के साथ भी, जो प्रिंसिपल वाली चीज़ है ना उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करिए। हो सकता है आप प्रिंसिपल लें, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, थोड़ा सा हार्श कम रहिएगा चीज़ों को लेके। और ठीक है, कुछ हो रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई गलत बोल रहा है आप चेक कर लीजिए जी कि वो जो गलत बोल रहा है उसको ठीक करके आपको कुछ वो ठीक होगा कि बिना, अगर नहीं होगा तो करने दीजिए, एक बार बोल के छोड़ दीजिए। बहरहाल ऋचा जी, होप करता हूँ आपको समझ में आया, पसंद आया हो मेरी रीडिंग। 32 साल और 35 साल, 35 तक भुगतना पड़ेगा, तो लेकिन तब भुगतना नहीं पड़ेगा, मतलब 35 तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस रास्ते जा रही हैं, लेकिन अभी भी आप कर सकती हैं, ऐसा कोई उम्मीद बता रही। हाँ, मंगल का असर 28 के बाद कम हो जाता है, तो 28 साल के बाद आपको थोड़ा बेनिफिट, मतलब अभी 26 चल रही है तो 1-1.5 साल का और थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तब तक रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये मेरी रीडिंग थी ऋचा जी आपके लिए, होप करता हूँ आपको पसंद या समझ में आया हो। नमस्ते।